यजीद ने नवासा रसूल को कत्ल करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी हुसैन के बाद मेरे खिलाफ सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी, उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा जमीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल है और ये खानदान अल्लाह का महबूब तरीन खानदान है। जिसने इसके साथ जुल्म किया इसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद के बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने भी मदीने पे हमला किया। तारीख ने लिखा, तीन दिन तक यजीद की फौज मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध के असहाब रसूल की नामोस के साथ बेहुरमती करते रहे और यूं मक्का से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना कबा पे हमला किया और खाना कबा को आग लगा दी। इस वाकया को वाकया हीरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पे लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को अपने खिलाफ देखता तो इसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। इन दिनों यजीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसकी आंतें जलने लगी थीं। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वही पानी इसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देख के ये कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने के बदौलत है, तो वक्त का बादशाह होते हुए भी पानी की एक घूंट के लिए तरसता है। यजीद ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी, ये बेटे मेरे बाद इस तख्त को संभालना। तो यजीद के बेटे ने नजरों को उठा के कहा, इस तख्त पे हुसैन इब्न अली का खून लगा है, क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे जमाना अब पे लानत कर रहा है मुझ पे भी ऐसे ही लानत करे? नहीं, नवासा रसूल के खून से आलूदा ये तख्त और ऐसे तख्त पे मैं लानत करता हूँ। यजीद हैरत से देख रहा था। यजीद के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। इन दिनों अरब के बदतरीन से बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और इसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए ना तड़पे। ऐसे ही नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? लोगों ने कहा, शायद जंगल की तरफ निकला होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पे बैठ के जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासा रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पे गिरते गिरते इसका सर एक पत्थर से जा टकरा, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि इसका पूरा जिस्म पामाल होने लगा। यजीद की फौज में जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे, हुसैन इब्न अली के खून की यही सजा है, और उसको शाम में तदफीन कर दिया। आज भी यजीद मलून की कब्र मौजूद है और लोग इस कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशाने इबरत बन गया। इस जमीन पे जो भी जुल्म करेगा अल्लाह इसका नाम खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए इसको निशाने इबरत बना देगा।